सब्सक्राइब कीजिए नेगा न्यूज को और बेल आइकन को दबाकर दुनिया भर की ताजा खबरें पाइए सबसे पहले। धोनी कोहली के बीच ड्रेसिंग रूम में रोज हो रही है बहस, वजह जानकर सोच में पड़ जाएंगे। भारत और दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में वनडे सीरीज चल रही है। टेस्ट सीरीज हारने के बाद कहीं ना कहीं भारतीय टीम का ध्यान वनडे सीरीज जीतने पर है। इंडियन टीम जानती है कि अगर वह वनडे सीरीज भी हार जाती है तो विश्व में इस समय इससे बड़ी बदनामी इसके लिए कुछ नहीं होगी। आपको बता दें कि इंडियन टीम के लिए मुश्किल इस समय नंबर 4 का क्रम बना हुआ है। नंबर 4 पर किस खिलाड़ी से बल्लेबाजी करानी है, यह टीम के लिए लगातार एक बड़ी मुश्किल बनी हुई है। तो आइए आपको बताते हैं, पहले वनडे मैच में नंबर 4 पर कौन 3 खिलाड़ी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं। अजिंक्य रहाणे पर विश्वास नहीं करते हैं कोहली। नंबर 4 पर अगर कप्तान विराट कोहली किसी भरोसेमंद खिलाड़ी को मौका देते हैं तो वह नाम अजिंक्य रहाणे हो सकता है। जिस तरीके से आखिरी टेस्ट मैच की दूसरी पारी पारी में अजिंक्य ने कमाल की बल्लेबाजी की थी, तो उसके बाद शायद अजिंक्य को यह मौका मिल सकता है। लेकिन आपको बता दें कि कप्तान विराट कोहली पहले भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि रहाणे टीम के लिए एक ओपनर बल्लेबाज है, ना कि मध्यक्रम के बल्लेबाज। यह एक मुख्य कारण है कि शायद रहाणे को पहले वनडे में भी कप्तान विराट कोहली मौका ना दे, क्योंकि अपनी जोड़ी के लिए अभी टीम में कोई स्थान नहीं है। अगर अजिंक्य रहाणे को नंबर 4 पर कप्तान विराट कोहली नहीं खिलाते हैं तो इससे इंडियन टीम के ही नुकसान हो सकता है। मनीष पांडे है एक और दूसरा नाम। मनीष पांडे भी नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं। आपको बता दें कि मनीष पांडे इससे पहले भी विदेशी दौरों पर भारतीय क्रिकेट टीम के काम आ चुके हैं। पांडे की पिछली 2 वनडे सीरीज की फॉर्म को देखकर तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि मनीष पांडे को विराट कोहली अंतिम प्लेइंग 11 में मौका देकर सही करेंगे। अगर मनीष पांडे नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आते हैं और फ्लॉप होते हैं तो टीम के लिए यह एक बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। श्रेयस अय्यर को मिल सकता है मौका। श्रेयस अय्यर वनडे सीरीज में नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के एक प्रबल दावेदार हैं। श्रीलंका के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज में अय्यर ने खुद को साबित नहीं किया था, लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसी मुश्किल पिचों पर अगर इस अनुभवहीन बल्लेबाज को विराट कोहली नंबर 4 पर भेजते हैं तो यह एक गलत फैसला भी साबित हो सकता है। आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर और लाइक कमेंट करें, और ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। धन्यवाद।